नगरकटाको कैरन चियाबारी आजदेखि बन्द भएको छ। बगानका सबै प्रतिनिधिहरू बगान छोडेर भागेका छन्। उक्त घटनाले चियाबारीका लगभग 700 मजदुरहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। बगान प्रबन्धक पक्षले नगरकटा थानामा एक एफआईआर दर्ता गराएर बगान छोडेका छन्। बगानका मजदुरहरू बगान कार्यालय अघि धर्नामा बसेका छन्। डुवर्सको केही बन्द चियाबारीहरू जस्तै धर्नीपुर, रेड ब्याङ्क, सलबन्दी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। अहिले फर्स्ट फ्लसको सिजनको समय यसरी बगान बन्द हुन आफैमा दुःखद विषय बनेको छ। आज क्या समस्या हुआ? समस्या विगत हम लोग 14 दिन से यहाँ आकर गेट मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करने के बाद में हम लोग को बीते शनिवार को मैनेजर का तरफ से आश्वासन मिला था कि हम शनिवार को पेमेंट ला के देंगे, एक फोर्टनाइट का पेमेंट देंगे बोल के बोला था। उसके पेमेंट देने के बाद में छुट्टी बैठाने का बात हुआ था, तो हम लोग 2 दिन के लिए मीटिंग को पोस्टपोन किए थे, बंद रखा थे। तो शनिवार को भी पेमेंट ना होने के कारण फिर हम लोग सोमवार से फिर गेट मीटिंग पे यहाँ पर गेट में आए। गेट मीटिंग में आने के बाद में भी हम लोग अभी हम लोग का 14 दिन हो गया गेट मीटिंग रेगुलर चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बगान सुचारू रूप से चले, मालिकाना लेके आए। तो हम लोग का जो सोच है, हम लोग के मालिक को सोच रहे थे कि इन्हीं का बगान है, लेकिन इनका बगान नहीं है, फाइनेंसर ही है। तो हम लोग जो पीके बासु है, पीके बासु अगर कोई मालिक को बेच रहा है तो मालिक किन खरीद के आए, और हम लोग उसको स्वागत करने के लिए जो अमित अग्रवाल था, क्या लग रहा आपका कि तो कंपनी नहीं था, कोई फाइनेंसर था, कब से चला रहा था चाय बगान? ये 2019 7 अप्रैल से बगान में आया। तो आप लोगों को पीएफ ग्रेजुटी जमा किया? 3 साल काम किए हम लोग इसमें, तो इसमें से एक वन साइड का एक पहली बार आया था, उस समय 1 महीना का वन साइड जमा किया था पीएफ। उसके बाद नहीं किया, और 3 साल आज 2022 आया है, अभी तक कोई पीएफ जमा नहीं। हाजिरी देते जा रहा, हाजिरी 2202 रुपया जो हाजिरी है लेबर का वही बिल। तो आज तो यहाँ पे नोटिस टांगा है मैनेजमेंट की ओर से कि आज से कोई भी मैनेजमेंट का प्रतिनिधि नहीं होगा, तो बगान अब क्या होगा? आज से हम लोग को मीटिंग गेट मीटिंग डेली के डेली कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को मैनेजमेंट की तरफ से एक लेटर मिला है, जिससे वो अपना लिखित दे के जा रहा है यूनियन को कि हम लोग बगान में आज से नहीं रहेंगे, छोड़ के जा रहे हैं बगान में। तो हम लोग का जो है, हम लोग काम अपना जो काम चलता है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। लेबर का बोलना है कि अगर मैनेजर रहे चाहे ना रहे, लेकिन लेबर जिस हिसाब से काम करता था उसी हिसाब से काम करेगा, मैनेजर नहीं रहेगा। तो फिर पेमेंट कौन देगा? पेमेंट अब जो नया मालिक आएगा उनसे हम लोग काम किया हुआ पैसा, हम लोग तो काम बंद नहीं कर रहे, काम तो हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। जो भी प्रतिनिधि है हम लोग बात करके गेट मीटिंग में अभी कहेंगे कि अपना अपना काम में जाना पड़ेगा। चाय बागान में कितना मजदूर है? चाय बागान में 715। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह भाई। आप क्या इस पोस्ट में हैं? अभी तो पोस्ट नहीं, फिलहाल हम ज्वाइनिंग किए हैं, INTTCU का झंडा पकड़ के ज्वाइनिंग किए हैं। पहले हम बीजेपी करते थे, सदस्य हिसाब से हम ज्वाइनिंग। थैंक यू। आज क्या समस्या हुआ? आज समस्या विगत हम लोग 14 दिन से यहाँ आकर गेट मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करने के बाद में हम लोग को बीते शनिवार को मैनेजर की तरफ से आश्वासन मिला था कि हम शनिवार को पेमेंट ला के देंगे, एक फोर्टनाइट का पेमेंट देंगे बोल के बोला था। उसके पेमेंट देने के बाद में छुट्टी बैठाने का बात हुआ था, तो हम लोग 2 दिन के लिए मीटिंग को पोस्टपोन किए थे, बंद रखा थे। तो शनिवार को भी पेमेंट ना होने के कारण फिर हम लोग सोमवार से फिर गेट मीटिंग पे यहाँ पर गेट में आए। गेट मीटिंग में आने के बाद में भी हम लोग का 14 दिन हो गया गेट मीटिंग रेगुलर चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बगान सुचारू रूप से चले, मालिकाना लेके आए। तो हम लोग का जो सोच है, हम लोग के मालिक को सोच रहे थे कि इन्हीं का बगान है, लेकिन इनका बगान नहीं है, फाइनेंसर ही है। तो हम लोग जो पीके बासु है, पीके बासु अगर कोई मालिक को बेच रहा है तो मालिक किन खरीद के आए, और हम लोग उसको स्वागत करने के लिए। जो अमित अग्रवाल था जी, क्या लग रहा आपका कि तो कंपनी नहीं था, कोई फाइनेंसर था, कब से चला रहा था चाय बगान? ये 2019 7 अप्रैल से बगान में आया। तो आप लोगों को पीएफ ग्रेजुटी जमा किया? 3 साल काम किए हम लोग इसमें, तो इसमें से एक वन साइड का एक पहली बार आया था, उस समय 1 महीना का वन साइड जमा किया था पीएफ पैसा। हाँ, उसके बाद नहीं किया, और 3 साल आज 2022 आया है, अभी तक कोई पीएफ जमा नहीं। हाजिरी देते जा रहा, हाजिरी 2202 रुपया जो हाजिरी है लेबर का वही बिल। तो आज तो यहाँ पे नोटिस टांगा है मैनेजमेंट की ओर से कि आज से कोई भी
मैनेजमेंट का प्रतिनिधि नहीं होगा तो बगान अब क्या होगा? आज से हम लोग को मीटिंग गेट मीटिंग डेली के डेली कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को मैनेजमेंट का तरफ से एक लेटर मिला है जिससे वो अपना लिखित देके जा रहा है यूनियन को कि हम लोग बगान में आज से नहीं रहेंगे, छोड़ के जा रहे हैं बगान में। तो हम लोग का जो है, हम लोग काम अपना जो काम चलता है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। लेबर का बोलना है कि अगर मैनेजर रहे चाहे ना रहे, लेकिन लेबर जिस हिसाब से काम करता था उसी हिसाब से काम करेगा, मैनेजर नहीं रहेगा। तो फिर पेमेंट कौन देगा? पेमेंट अब जो नया मालिक आएगा उनसे हम लोग काम किया हुआ पैसा, हम लोग तो काम बंद नहीं कर रहे, काम तो हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। जो भी प्रतिनिधि है हम लोग बात करके गेट मीटिंग में अभी कहेंगे कि अपना अपना काम में जाना पड़ेगा। चाय बागान में कितना मजदूर है? चाय बागान में 715। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह भाई। आप क्या इस पोस्ट में हैं? अभी तो पोस्ट नहीं, फिलहाल हम ज्वाइनिंग किए हैं INTTCU का झंडा पकड़ के ज्वाइनिंग किए हैं। पहले हम BJP करते थे, सदस्य हिसाब से हम ज्वाइनिंग।